बात करेंगे कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का हाल। और क्रिप्टो मार्केट अगर आज आप देखेंगे, बिटकॉइन के प्राइस स्टेबल हैं, लेकिन आप प्राइस अगर बिटकॉइन के देखेंगे तो वो $40,000 पे ही है। 40,100 पे बिटकॉइन कल ट्रेड कर रहा था, आज 40,300-40,500 ये लेवल्स भी हमको देखने मिले। ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है, लेकिन मार्केट अगर पूरा ग्लोबली आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन में चल रहा है पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट। और आप सबको पता है इथेरियम के जो प्राइस चल रहे हैं वो $3,000 पे चल रहे हैं। 31 का लेवल, 32 के लेवल देखे थे, उससे फिर नीचे आया क्योंकि बिटकॉइन 41 से सीधा 39 पे गया। और इसका इंपैक्ट जो है बाइनेंस कॉइन पे भी देखने को मिला, और बाइनेंस कॉइन के जो लेवल चल रहे हैं वो $415-16 पे चल रहे हैं। ये कुछ करंट एक्शन है क्रिप्टो मार्केट के। और बात कर लेते हैं अब कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट की बारे में बात करें तो वो है टीथर यूएसडीटी को लेके। यूएसडीटी एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जो ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन टीथर यूएसडीटी अगर आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है बाकी स्टेबल कॉइन से कहीं ज़्यादा और पॉपुलर स्टेबल कॉइन है। और इसके मार्केट कैप में इंसेनली मतलब हायर और मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है इसका। $86 बिलियन का मार्केट कैप है टीथर यूएसडीटी का। और आजकल आप देखेंगे जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करता है तो यूएसडीटी के जरिए बाय करते हैं। जितने भी पेयर्स हैं यूएसडीटी के जो पेयर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ आते हैं, और यूएसडीटी के पेयर्स ही कहीं ना कहीं हर एक्सचेंज पे कोई भी बाय करता है तो सबसे पहले यूएसडीटी खरीदेगा, फिर उस यूएसडीटी को कन्वर्ट कर लेगा किसी भी क्रिप्टो में, है ना, उस यूएसडीटी से खरीद लेगा। यही एक रीज़न है। तो यूएसडीटी अगर आप देखेंगे 3 नंबर की एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसका मार्केट कैप कहीं ज़्यादा और ये लगातार बढ़ रहा है बाकी स्टेबल कॉइन से। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे गेट आयो के CMO को लेके। मतलब गेट आयो के जो CMO हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है। उन्होंने NFTs को लेके एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये चीज़ कही है कि NFTs का जो मार्केट कैप है वो आने वाले टाइम में बिटकॉइन के मार्केट कैप को भी सरपास कर सकता है। मतलब NFTs के जो मार्केट कैप है आने वाले टाइम में बिटकॉइन के भी मार्केट कैप से ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ गेट आयो के CMO की तरफ से कही गई है। थर्ड अपडेट की बात करें तो वो है बिट स्टैम्प एक्सचेंज की तरफ से। बिट स्टैम्प एक्सचेंज ने यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ को अपग्रेड किया है और यहाँ पे अपने जितने यूज़र्स हैं उनको नोटिफिकेशन भी दिया है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ बिटस्टैम्प ने ये किया कि अब यहाँ पे कुछ डेटा जो है अपने यूज़र से ये ले रहा है, और ये डेटा है कि आपकी इनकम कितनी है, इनकम का सोर्स मतलब कितनी आपकी एनुअल इनकम है, कितनी आपकी नेट वर्थ है, इस तरह का डेटा भी जो है बिटस्टैम्प्स अपने यूज़र से अब ले रहा है। और इस तरह का नोटिफिकेशन सभी यूज़र्स को, एक ईमेल जो है सभी के पास गया, और ये बहुत बड़ी अपडेट है बिटस्टैम्प एक्सचेंज की तरफ से। फोर्थ नंबर की अपडेट की बात करें तो वो है ओपेरा की तरफ से। ओपेरा आपने सुना होगा, ओपेरा मिनी एक टाइम पे ब्राउज़र था जो बहुत सारे लोग यूज़ करते थे, लेकिन आज ओपेरा आपको पता है जब से ये 2022 स्टार्ट हुआ है क्रिप्टो ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहा है। इसके साथ साथ लाना के साथ इंटीग्रेशन किया इन्होंने, मैटी के साथ किया, बहुत सारे कॉइन्स प्रोजेक्ट्स के साथ जो है इंटीग्रेशन भी किया, अपने क्रिप्टो ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहा था। और इन्होंने अपना जो क्रिप्टो ब्राउज़र है ओपेरा ने अपना क्रिप्टो ब्राउज़र रिलीज़ कर दिया है iOS यूज़र्स के लिए, मतलब एप्पल यूज़र्स के लिए। जो एप्पल यूज़र्स जो भी ओपेरा को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो ब्राउज़र को भी अब यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट ओपेरा की तरफ से। 5 नंबर की अपडेट तो वो है डॉज क्वाइन को लेके। डॉज क्वाइन को लेके रॉबिन हुड के जो CEO हैं उन्होंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि डॉज क्वाइन करेंसी है इंटरनेट की। जी हाँ, डॉज क्वाइन इज अ करेंसी ऑफ इंटरनेट एंड विद स्मॉल ट्रांजेक्शन फीस, है ना, मतलब स्मॉल ट्रांजेक्शन फीस। और ये करेंसी इंटरनेट की बन सकती है आने वाले टाइम में, और विद स्मॉल ट्रांजेक्शन फीस। तो ये रॉबिन हुड की तरफ से, रॉबिन हुड के जो CEO हैं उन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दिया है। और इलॉन मस्क भी तैयारी कर रहे हैं ट्विटर को खरीदने की, और ट्विटर खरीदेंगे तो क्या कुछ इम्पैक्ट डॉजकॉइन पर पड़ेगा। डॉजकॉइन पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जितनी भी ट्विटर की सर्विसेज हैं उनके लिए डॉजकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं इलॉन मस्क, क्योंकि ट्विटर के मालिक हो जाएंगे तो किसी तरह वो डॉजकॉइन को भी यूज़ में लाएंगे ट्विटर के लिए। और ट्विटर के जरिए किस तरह से डॉजकॉइन को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से डॉजकॉइन के प्राइस पे इंपैक्ट डालना है, उन चीज़ों पे भी फोकस रहेगा इलॉन मस्क का ज़रूर। और जिस तरह से डॉजकॉइन में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं पिछले 1 वीक 10 डेज का अगर आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं डॉजकॉइन में,
तो वो दिन दूर नहीं है जब $1 का लेवल भी आपको डॉज कॉइन दिखा सकता है। इस नंबर की अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू और डॉज कॉइन को ही लेके एएमसी थिएटर ने अपनी मोबाइल ऐप्स के जरिए भी इन दोनों की पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए दोनों का सपोर्ट ऐड कर दिया। मोबाइल ऐप के जरिए भी अगर कोई मूवी टिकट खरीदेगा या ट्रांजेक्शन करेगा तो उनको पेमेंट सेक्शन के अंदर पेमेंट का जो ऑप्शन मिलेगा वो शिबा इनू और डॉज कॉइन से भी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो नेक्सो की तरफ से और आए दिन बिटकॉइन को लेके बड़े बड़े एनालिस्ट जो है प्रेडिक्शंस करते रहते हैं कि $1,00,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जो है जाएगी। और नेक्सो के जो फाउंडर हैं उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन को लेके एक प्रेडिक्शन की है कि अगले एक साल के अंदर विदिन 12 months के अंदर बिटकॉइन $1,00,000 तक पहुँच जाएगा और ये नेक्सो के फाउंडर की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन फिर से बिटकॉइन को लेके। और पहले भी हम प्रेडिक्शंस देख चुके हैं तो बिटकॉइन के लेवल $1,00,000 तक कब तक जाएंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक चांसेस हैं $1,00,000 बिटकॉइन जल्दी अचीव कर सकता है। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।